अगर आप इस टाइम पे चाहते हैं कि आपको राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट तरीके से मिले देन यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी टेक्निक की जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है एंड दैट्स कॉल्ड गर्भ संस्कार सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट गर्भ संस्कार देन स्टेट यून टू पाइल लाइफ कोचिंग लेट्स ग्रो टूगेदर वेल जो मैंने आपको बताया गर्भ संस्कार इसका क्या मतलब है गर्भ गर्भ का मतलब है वूम और संस्कार का मतलब है ट्रेड्स तो ट्रेड्स को प्योरीफाई करना रिफाइन करना कंडीशन करना बच्चे की बॉडी में उसके माइंड में उस सोल में तो गर्भ संस्कार का मतलब है बच्चे के ट्रेड्स को रिफाइन प्योरीफाई करना राइट इन द वूम इसका ये भी मतलब है कि बच्चे को पूरे एजुकेशन देना उसकी वूम में जिससे उसका फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके फिर एजुकेशन आई डोट मीन फॉर्मल एजुकेशन वो तो बच्चा स्कूल में बाद में ले ही लेगा बट वो सब एजुकेशन जो बच्चे को स्कूल में प्रॉपरली नहीं मिल पाती है थैंक्स टू आर एजुकेशन सिस्टम विच इज नॉट अपिमांड तो आपको वो सब सिखाना है जो आपकी ड्यूटी है बच्चे को सिखाने की लेट्स अंडरस्टैंड सडन एवरी बेबी इज बॉर्न विध इनफाइनाइट एबिलिटीज एबिलिटीज आर अनकॉन्शियस एंड नीड टू बी अवेकेंट इन दूम बच्चे की क्वालिटी बच्चे में जो क्वालिटीज हैं लर्निंग की पावर जो है उसकी वो वन लैक टाइम्स फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अ बॉर्न चाइल्ड तो अगर इस टाइम पे आप बच्चे में उसकी ग्रासपिंग पावर को इतना बढ़ा दें उसको जो भी नॉलेज देना चाहते हैं वो दे दें आई डोंट मीन बुक इश नॉलेज आई एम एम्फिस आप उसमें अच्छी वैल्यूज डालें

दिस गर्भ संस्कार माई सेल्फ क्योंकि मैंने अपने बच्चे का भी गर्भ संस्कार किया था वेन आई गॉट pregnant एट ईयर्स बैक तब जैसे मैं नेट पे सर्च करने लगी एंड आई फाउंड अबाउट गर्भ संस्कार तो मैंने उसके बारे में काफी स्टडी किया और मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली मैंने उसको फॉलो किया तब मेरे पास कोई ऐसे कोर्स नहीं था कोई ऐसे स्ट्रक्चर नॉलेज नहीं थी बट जितना भी मैं ग्रास्ट कर पाई आई फॉलो दैट एंड आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट बिकॉज ऑफ दैट माई चाइल्ड शोज गुड इमोशनल क्वेश्चन उसका इंटेलिजेंस लेवल तो हाई है क्रिएटिविटी है बच्चे काफी इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू यू नो जनरे इंटेलिजेंस बढ़ रही है माई डॉटर हैज वेरी हाई इमोशनल क्वेस्ट शी इज जस्ट एट ईयरस ओल्ड बट शी है मैं उसे अपने सुख दुख का साथी बोलती हूँ वो मेरी हर बात को हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझती है मुझे लगता है मुझे एक लाइफ टाइम फ्रेंड मिल गया बाकी सब फ्रेंड्स तो धीरे धीरे छूट जाते हैं छूट गए इन माइंड के साथ से सब एजुकेशन um, के बाद दूर हो गए मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहां मेरे फ्रेंड्स नहीं है ठीक है जो फ्रेंड्स हैं दे आर जस्ट फॉर हेलो हाई बट अदरवाइज यू नो फॉर दैट बॉन्डिंग दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आई मिस दैट सो एव गॉट दैट फ्रेंड इन माई चाइल्ड मैं इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात कह रही हूँ सो आई रियली मीन इट मैं अपने बेबी के साथ कुछ भी बात करू वो समझ पाती है डीप लेवल पे सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड आई फील रियली ब्लेस्ड थैंक्स टू गर्भ संस्कार सो आई वॉन्ट यू टू यू नो आई वॉन्ट यू टू डू दिस फॉलो दिस ताकि आपके बच्चे भी ऐसे बने और आपको बाद में पेरेंटिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इट्स क्वाइट ईजी गोइंग ऐसे बच्चों को कुछ भी समझाओ तो ईजिल समझ जाते हैं इट्स क्वाइट ईजी देन ओके नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन हमारे वेद और साइंटिफिक बिलीव क्या है लेट्स अंडरस्टैंड एजुकेशन इज द बेस्ट टाइम तो इस टाइम को मिस मत कीजिए सिर्फ डाइट एक्सरसाइज विटामिन मिनरल्स लेकर या थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर इस टाइम में बेस्ट पॉसिबल बच्चे को जो दे सकते हैं वो दीजिए इस टाइम पे आप बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड कर सकते हैं प्रीनेटल बॉन्डिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आप इस टाइम पे जैसे बच्चे के साथ कनेक्ट करेंगे वो आपका लाइफ लॉन्ग रहने वाला वेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देन करेक्शन बिकम्स इजी पेरेंट्स कितना टाइम बच्चों पे स्पेंड करते हैं ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो वैसे मत करो वी गिव सो मच ऑफ यू नो डूज एंड डोंट्स फॉर द चाइल्ड बट अगर आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो बच्चा आपको बात को सुनेगा पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है दैट चाइल्ड लिसन टू मी दिस वुड बी वेरी लेस योर चाइल्डवुड लिसन टू यू हेर आई डों की वो आप उसके बॉस बन जाएंगे और आप जो बोलोगे वो जो मेरे आका करके फॉलो करेंगे बट उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कि आपका उनसे कनेक्शन अच्छा होगा तो लेस प्रॉब्लम वुड बी फेस बाई यू इस टाइम पे आप बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज्यादा ट्रांसफर कर सकें करिए आप अगर खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी आप वो एनर्जीज बच्चे में ट्रांसफर कर पाएंगे यू हैव दैट पावर बच्चा भी सोल कॉन्शियसनेस में है तो बच्चे में जितनी अच्छी क्वालिटीज आप डालना चाहे पॉजिटिव एनर्जीज पॉजिटिविटी आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं इस टाइम पे उस सोल को हीलिंग की जरूरत है राइट नाउ दैट सोल हैज सीन अ डेथ डेथ के बाद रीबर्थ लेकर आपकी वूम में आई है तो उसको अपने पासवर्थ का भी कुछ याद होगा और उसको लेके वो अपसेट भी होती होगी वो सोल तो आपको वो सब उसे हील करना है आपको उसे नर्चर करना है तो अपने वो आप अपने गुड एनर्जीज गुड थॉट्स से कर सकते हैं सो प्लीज डू दैट और इस टाइम पे जो आप बच्चे को एजुकेशन देंगे वो फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा लंबा लास्ट करता है हम स्कूल uh, में जो है एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन जो हमें मिलता है उस हमारे टीचर्स कभी परमानेंट नहीं रहते दे कीप ऑन चेंजिंग वी गेट गुड नॉलेज अनफॉर्चूनेटली वी डोंट हैव सिंगल टीचर लाइफ लॉन्ग बट पेरेंट्स आर लाइफ लॉन्ग टीचर फॉर दे चाइल्ड आप जो कहेंगे आप जो करेंगे जो आप नहीं बताना चाहते नहीं दिखाना चाहते वो भी बच्चा देखता है वो बच्चा सीखता है तो आपकी दी हुई एजुकेशन ही लास्ट करती है लाइफ लॉन्ग अगर आप अच्छी क्वालिटी बच्चे में डेवलप कर लेंगे इस टाइम पे तो अगर सब पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो कितनी अच्छी सोसाइटी बनेगी कैन बी इमेजिन दैट अगर सब मदर्स अभी इस टाइम को अपना बेस्ट uh, इनपुट दे दे तो हाउ इज़ गोइंग बी ये सब पिक्चर में जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं इनकी मदर्स ने वो टाइम इन्वेस्ट किया वो एनर्जी इन्वेस्ट की अपने लाइफ में चेंजेस किए और ये बच्चे पैदा हुए प्रहलाद अभिमन्यु शिवाजी साइना नेहवाल विश्वनाथन आनंद जाकिर हुसैन एपीजे अब्दुल कलाम

शिवाजी की मदर करती थी एंड उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी तो उनके मन में एक फीलिंग आती थी एक जज्बा होता था कि मेरा बच्चा इन मुगलों को हमसे आजाद कर दे और हरा दे इंडिया को इनसे फ्रीडम मिले उन्होंने उस पर काम किया अपने बच्चे के अंदर वो थॉट्स डाले एंड द रिजल्ट वाज़ शिवाजी जब बड़े हुए वो हमेशा ही करेजियस और ब्रेव चाइल्ड रहे और जब वो बड़े हुए

इन सब की स्टोरीज मैं अपने चैनल पे कवर करने वाली हूँ सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देम देन डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन टू नो अबाउट दीज फेमस पीपल्स गर्भ संस्कार स्टोरीज और आपको भी ऐसी ही मदर बनना है बिफोर अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट गर्भ संस्कार लेट्स अंडरस्टैंड टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स इट हैज रिलेशनशिप विद दैट दट गोइंग टू एक्सप्लेन पे जो आपको दिख रहा है वो है टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स इसमें यूज की जाती है अच्छी क्वालिटी के प्लांट बनाने के लिए पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये हिबिस्किस प्लांट है और इसमें ए में वाइट है और बी में रेड है ए के टिश्यूज और बी के टिश्यूज को लेकर रिच कल्चर में लैब में यू नो उनको मिक्स किया जाता है और उनको कल्चर किया जाता है और उससे सी प्लांट बनता है विच इज पिंक हिबिस्कस मतलब दोनों की क्वालिटीज को लेकर हमने थर्ड प्लांट बना दिया सो दैट्स पॉसिबल आप बेस्ट क्वालिटीज दो प्लांट्स की लेके एक थर्ड प्लांट बना सकते हैं एंड एंड सिमिलर प्रोसेस इज पॉसिबल इन ह्यूमन बेबी हम सोचते हैं कि मदर और फादर के जब uh, जीन्स मिल गए तो जैसा जेनेटिक मेकअप होगा वैसा ही बेबी होगा जीन्स का रोल होता है ना बट इट्स वेल एक और साइंस की स्ट्रीम um, है एपिजेनेटिक्स साइंस epigenetic, की वो स्ट्रीम है जिसको इस टाइम पे साइंटिस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज इट से आपका एनवायरमेंट आपका बिहेवियर आपके बेबी पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप अपना एपिजेनेटिक्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो बच्चे का डीएनए सीक्वेंस कैसे मैनिफेस्ट होगा कैसे शो अप होगा वो भी ऑल्टर हो सकता है फैमिली मतलब में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में मैनिफेस्ट नहीं होगी अगर आप अपने बिहेवियर अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखते हैं तो नॉट जस्ट दैट अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में वो क्वालिटीज नहीं आए जो आप में या आपके फादर में या आपके फैमिली में किसी में भी है या हस्बैंड uh, में है आई मीन आई मीन एनी क्वालिटी इन एनी ऑफ द पेरेंट्स यू डू नॉट वांट इन द चाइल्ड तो वो भी एपिजेनेटिक्स से uh, हो सकता है आप अगर अपने आप ये समझे कि अगर आप ये समझे कि आप बच्चे के आर्किटेक्ट हैं आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इस टाइम पे तो अगर आप अपने एनवायरमेंट अपने बिहेवियर इन सब का ख्याल रखते हैं तो आपके बच्चे में वो डीएनए मेकअप में शो करेगा आपका बच्चे में वो क्वालिटीज शो करेंगी इज इन दैट अमेजिंग Another interesting fact that you must know about is कि 5000 पहले गर्भ अपनिषद में फीटस डेवलपमेंट की ये सब स्टेजेस बता दी गई थी इनफैक्ट साउथ इंडिया में एक मंदिर है जिसमें ये पिक्चर्स आज भी मिलती हैं, जिसमें एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो हमारे वेदों में ये नॉलेज ऑलरेडी इतने सालों से एग्जिस्ट करती है एंड वी वेट फॉर साइंस टू प्रूव इट आजकल की जनरेशन इंक्लूडिंग मी हम सबको चाहिए कि पहले वो साइंस में प्रूव हो जाए कोई भी फैक्ट जब भी वो फैक्ट के बारे में हमें पूरा नॉलेज होता है तब हम उसे मानते हैं और फॉलो करते हैं सो गर्भ संस्कार इज सच एन ओल्ड टेक्निक एंड इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी अ गुड चाइल्ड एज पर योर डेफिनेशन आप उसमें जो डिजायर्ड क्वालिटीज डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं आप उसमें उसको उस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं सो दिस इज द टाइम फॉर दैट इनफैक्ट गर्भ उपनिषद का ये पेज है जिसमें संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं और ये पिक्चर्स उसमें मिलती है एम्ब्रियोलॉजी दैट अमेजिंग अब हम साइंस की बात करते हैं डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ऑफ कैम्ब्रिज उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया फॉर्मेटिव पॉजिशन का ये क्या है आइए उससे समझिए इसका ये मतलब है कि आपके थॉट्स आपके इमोशंस बनाते हैं आपके इमोशंस से न्यूरोपेप्टाइड्स बनते हैं जो कि मदर से न्यूरो से बच्चे की सर्कुलेशन में जाते हैं और उसके लिम्बिक सिस्टम से जाकर उसकी पर्सनालिटी बनाते हैं मतलब आपके थॉट्स आपके इमोशंस बच्चे की पर्सनालिटी बना रहे हैं दिस इज वॉट साइंस इज सिंग सो जो हमने गर्भ संस्कार में बोला वही तो ये डॉक्टर रूपर की थ्योरी प्रूव कर रही है साइंस इज़ बैकिंग अप गर्भ संस्कार अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव रहते हैं तो आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्म सिक्रिएट होते हैं जैसे कि सेरेटोनिन डोपमिन ऑक्सीटोसिन एंडोरफिन और आपका बेबी उससे हैप्पी चाइल्ड बनेगा उसमें वो सब पर्सनालिटी में गुड ट्रीट शो अप करेंगे जो आप चाहते हैं वट एल्स डू यू वॉन्ट एंड ऑन द अदर हांड अगर आप सैड रहते हैं डिप्रेस रहते हैं एंगजाइटी में रहते हैं तो आपकी बॉडी में एड्रलिन और कॉटे हार्मोन से क्रिएट होते हैं जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को नेगेटिवली करते हैं बच्चे की सर्कुलेशन की जो वेसल्स हैं 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 वो कंस्ट्रिक्ट हो सिकुड़ जाते, जाते जिससे उनको प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और उससे उनका डेवलपमेंट नॉट जस्ट फिजिकल बल्कि इमोशनल मेंटल भी इफेक्ट होता है ऐसे बच्चे लोनली डिप्रेस्ड अलग अलग रहने वाले बहुत सारे इश्यूज शो अप कर सकते हैं विच वी डोंट राइट तो आपको क्या करना है आपका बहुत बड़ा रोल है अगर आप गर्भ संस्कार करते हैं तो बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी होती है उसकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है स्पोर्ट्स में अच्छा होगा मैथ स्किल्स बहुत ही अच्छी होंगी रीडिंग स्पीड क्रिएटिविटी उसकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी वो लॉजिकल थिंकर होगा उसका आईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंस क्वेश्चन

so you check the link in the description box and get the information required and it is free of cost well it is my mission to serve 100000 pregnant women to you know create a wonder child in their womb so jo bhi information usko follow karenge, it will be my pleasure so i wish you all happy pregnancy and you may raise a wonder child